सो गाइज यार, ये वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम के अंदर मेरी वीडियोस के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जामोल भाई तुमने मेरा अकाउंट स्कैम किया है। हालांकि आप लोगों को पता है मैं किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं करता, लेकिन उनके कॉमेंट्स में ये बात साफ लिखी हुई होती है कि भाई आपने हमें मैसेज किया था और गिव अवे का विनर बनाया था और आपने हमारी आई डी का पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया। सबसे पहली बात तो भाई मैंने ऐसा कोई भी गिव अवे नहीं किया, यूट्यूब पर आप लोग जानते ही हैं। तो फिर यार आखिर उन बंदों को हुआ क्या, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं? लेकिन गाइस वो लोग भी अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि उनके साथ स्कैम हो रहा है। किस तरीके से स्कैम हुआ है, बस आप लोग ने इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है ताकि वो स्कैम आपके साथ ना हो सके। गाइस यहाँ पर एक भाई ने मुझे ये वीडियो शेयर की जिसके अंदर कोई बंदा मेरा नाम यूज़ करके स्कैम कर रहा है, बोल रहा है कि मैं जामोट हूँ और आप मेरे गिव अवे के विनर बने हो, अपनी आईडी सेंड करो। ठीक है, उसका नंबर भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। मैं आपको जितने भी फ्रॉड दिखाऊंगा यही नंबर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और फ्रॉड करने के लिए मेरी एक वॉइस यूज़ कर रहा है, आप लोग वो वाली वॉइस भी सुन सकते हैं। जी जनाब, थोड़ा सा कॉल उठाइए, आपसे थोड़ी सी दो चार प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। अब गाइज ये वाली वॉइस तो आप लोगों ने सुन ली, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी ये वाली वॉइस इसके पास कहाँ से आई। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इसने ये वॉइस फॉरवर्ड की हुई है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वॉइस असल में मैंने किस बंदे को की थी। यहाँ पर इस भाई के साथ भी काफ़ी टाइम पहले स्कैम हुआ था, और उसी बंदे ने स्कैम किया था और सक्सेसफुल स्कैम किया था। मतलब इसकी आई डी उसने वाकई में स्कैम कर ली थी और पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया था। जब इस बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो फिर जो है ना, इसने कहा कि यार उस बंदे ने मेरी स्कैम कर ली आई डी। मैंने उसका नंबर इससे लिया और पूछा कि भाई तुमने क्यों उसको आई डी, तो बोलता है उसने मुझे आपके फोटो सेंड किए, तो मुझे यकीन आ गया कि वो जामोट गेमिंग है। तो यार ये क्या बात हुई, मतलब कोई भी आपको किसी भी यूट्यूबर की फोटो सेंड करता है तो भाई वो मतलब वही यूट्यूबर होता है, ऐसा तो नहीं होता यार। तो गाइज यहां पर ये देखने, तो अभी गाइज इस बंदे से नंबर लेने के बाद मैंने उस बंदे को मैसेज किया। ये देखें वही नंबर है जो लास्ट टाइम किसी और के साथ स्कैम कर रहा था, और जो वॉइस गाइज मैंने आप लोगों को उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर सुनाई थी जो उसने फॉरवर्ड की हुई थी, वो वॉइस भी गाइज यहां पर मैं आप लोगों को सुना देता हूं। असल में वो वॉइस गाइज मैंने इसी बंदे को थी। ये देखें इसने अपना नाम भी जामोट गेमिंग रखा हुआ है, और इसका नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। गाइज वो मेरी वॉइस जो ये बंदा सबको भेजकर स्कैम कर रहा है, वो असल में गाइज मैंने इस बंदे को भेजी थी, आप सुन ले। जी जनाब, थोड़ा सा कॉल उठाइए, आपसे थोड़ी सी दो चार प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। जी गाइज ये मैसेजेस मैंने तब इसको भेजे थे जब इसने मेरे एक सब्सक्राइबर की आईडी स्कैम कर ली थी। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भेजे, ये नहीं मान रहा था, लेकिन फिर हुआ क्या कि दो तीन वीक तक मेरा जामोट गेमिंग जो चैनल है वो बैक टू बैक डेंजर में जाता रहा, और मैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, तो मैंने इसको कोई भी मतलब मैसेज नहीं किया। लेकिन फिर से ये किसी ने मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर ये वीडियो पोस्ट की, यही नंबर आप ऊपर नोट कर लें। ये बंदा फिर से किसी को बोल रहा है कि यार तुम जो है ना एफ कोड के विनर बने हो, तुम जो है मुझे अपना एफ कोड भेजो, मैं तुम्हें जो है ना एम कैरम दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दिखा रहा है उसको कि भाई तुम विनर बने हो। और गाइज वो बंदा जब सामने से एफ कोड भेज रहा है तो ये बोल रहा है नहीं नहीं टेक्स्ट मैसेज आएगा, मतलब। तो अच्छा हुआ यार वो बंदा भी समझदार था, उसने कहा कि भाई मुझे पता है तुम स्कैमर हो, ठीक है ना। तो ये बंदा स्कैम करके पागल बना रहा था, अगर कोई और बंदा होता तो यार शायद वो टेक्स्ट मैसेज कोई कोड भेज रहा था इसका, कोई अकाउंट वगैरह हैक करने के लिए जो पिन होता है वो शायद किसी तरीके से इससे लेना चाहता था। यहाँ पर देख ले ये बंदा, यहाँ पर इसके नंबर से मैं सर्च करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, तो ये नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे नाम से सर्च करना चाहिए, तो मैं नाम से अगर सर्च करूँ तो एक मिनट, हाँ ये देखिए ये बंदा मेरे ग्रुप के अंदर है। ये नंबर भी आप नोट कर लें, सभी जगह पर जहाँ पर भी स्कैम हो रहा है मेरे नाम यूज़ करते हुए, तो ये बंदा जो है ना ये वाला नंबर आपको शो होगा। तो इसको मैं गाइज अपने ग्रुप से रिमूव करने वाला हूँ, और आप लोगों ने भी ध्यान रखना है ये लोग जो है ना वो यूट्यूबर नहीं होते, ये लोग यूट्यूबर्स का नाम यूज़ करते हैं, मेरा नहीं किसी और यूट्यूबर का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। ये बंदा आपको मैसेज कर सकता है या किसी दूसरे नंबर से भी मैसेज कर सकता है गिव अवे का लालच देकर, आपसे जो है ना आपका अकाउंट वगैरह लेके स्कैम कर लेगा। इसीलिए गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के बंदों से बच कर रहा करें। ये लोग किसी भी यूट्यूबर का नाम लेकर आप लोगों को स्कैम कर सकते हैं, फिर जो लोग स्कैम हो जाते हैं इनको इनके हाथों से, वो फिर आकर चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि तुम स्कैमर हो, फिर गालियाँ देते रहते हैं। यार आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, तो यार फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यार इस तरीके के लोगों से भाई बच कर रहा करें, बहुत ही ख़तरनाक लोग होते हैं ये। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोग स्कैम होने से बच सकें। बस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।